बरनाला में हुए ब्लास्ट हादसे में भी पंजाब सरकार ने मरने वालों को पूरा मुआवजा नहीं दिया, पर खजाने खाली होते आ रहे हैं। बताया जाता है कि हल्के फतेहगढ़ चूड़िया के विधायक कैबिनेट मंत्री त्रिपत राजेंद्र सिंह बाजवा ने अभी कुछ माह पहले ही नगर काउंसिल में 13 ई रिक्शों को हरी झंडी दी थी कि अब कस्बे में ई रिक्शा चलेंगे, जिससे गीला और सूखा हुआ कूड़ा भी उठाया जाएगा। मगर ई रिक्शा को हरी झंडी देकर वहीं उसी जगह पर ही खड़ा कर दिया गया है जहां से चले थे, और 13 के 13 ई रिक्शे आज तक वहीं खड़े हैं, जो कि 2.5 लाख की कीमत के हैं और दिल्ली की एक निजी कंपनी से मंगवाए गए थे। आज एक कमरे में बंद पड़े 28 लाख की कीमत वाले ई रिक्शा पुरानी तहसील की शोभा बढ़ा रहे हैं, मगर इससे सफाई सेवक नहीं चला रहा। जब ये रिक्शे खरीदे थे तब सरकार के खजाने भरे हुए थे, और अब जब किसी को नौकरी देने का समय आया तो खाली हो सकते हैं। और तो और कई माह से बंद पड़े ई रिक्शा की बैटरी भी अब खराब होने को है, फिर सरकार खजाने से पैसा निकालकर इसे ठीक करवाएगी। इस मौके पर नगर काउंसिल प्रधान बलजीत सिंह चौहान ने कहा कि जब ई रिक्शा को हरी झंडी दी थी तो उसके कुछ ही दिन के बाद मीटिंग में यह मत पास हुआ था कि जल्द ही इसके लिए ड्राइवर रखे जाएंगे, मगर ईओ भूपिंदर सिंह मनमर्जी कर रहे हैं और अभी तक ड्राइवर नहीं रखेंगे। उधर दूसरी तरफ ईओ भूपिंदर सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने जो जमीन ली है पास ही गाँव पिंडी में अभी उसका काम चल रहा है, यह ई रिक्शा गीला और सूखा कूड़ा उठाने के लिए है। उन्होंने कहा कि अभी 10 दिन और लगेंगे काम पूरा होने के लिए। ई रिक्शा के ड्राइवर की बात की तो उन्होंने कहा कि 3 बार टेंडर भरे जा चुके हैं और जल्दी ही ड्राइवर भी रखे जाएंगे। कैबिनेट मंत्री सरदार तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने जो ई रिक्शे भेजे सन 13, वो खुद ही उन्होंने रिक्शा का आप हरी झंडी दे के उद्घाटन करके गए ने। उन्होंने कहने से असी उन्होंने रिक्शा चलाने वास्ते एक मता पाया कि 13 के 13 ड्राइवर रखे जाने, उन्होंने आने वाला खर्चा प्रवान है, उसके वास्ते मता पाया गया साड़ी सारी हाउस वालों 1 जनवरी महीने के, और दूजा उन्होंने रिक्शा लगाने वास्ते उन्होंने चार्ज लगाने वास्ते उन्होंने सारा प्रबंध करने वास्ते एक शैड का मता भी पाया गया कि उन्होंने शैड बनाया जाए उन्होंने जिथे उन्होंने रात को लगाने हैं, क्योंकि वो चार्ज लगाने पैदे है, पर वास्ते मता पा के भेजे गए। पर ईओ साहब ने जो साड़े ईओ साहब ने सरदार भूपिंदर सिंह उन्होंने अजे तक उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना तो कोई अजे तक ड्राइवर रखा ना ही कोई शैड बनया, जबकि वह खड़े खड़े ही जोड़े ई रिक्शा ने दिनों दिन खराब होने उन्हों की हालत खराब होंगी जा रही है। शहर के जोड़ा डेंगू फैलिया वा वो अभी जी सा फॉगिंग मशीन वा वो कुछ समय तो जी खराब चल रही है, पर असी जो बदलवा प्रबंध ये किया कि जो नगर कौंसल बटाले तो साड़ी फॉगिंग मशीन जी हफ्ते 2 दिन आ रही है और लगभग सारिया वार्डा जी क्लीयर की जा रही है। जो कूड़ा किस तरह चुके गए कूड़े का जिहड़ा यह मसला है जिहड़ा साडा एग्जिस्टिंग डंप सीगा इत्थे जिहड़ा आपां पिंडी पिंड विच जिहड़ा उहदा बदलवां प्रबंध कर रहे हैं, उत्थे 3 एकड़ जमीन असी लीज़ ते लै लई और इत्थों कूड़ा जिहड़ा चुक के सारा उत्थे लिजाया जा रहा। नवां टेंडर जिहड़ा वा साडा 2 दिनां विच खुलना है, उहदे विच जिहड़ियां ट्रांसपोर्ट जिहड़ी आ उत्थों दी लई आ, फिलहाल जिहड़ा कूड़ा वा एग्जिस्टिंग प्लेस ते जा। सर ई रिक्शे 13 लए गए सी, हांजी 24 लाख रुपया खर्चा गया सी, वो मिट्टी हो रहा की कहना चाहो। 13 ई रिक्शा चलाने लिए 13 जिहड़े आदे चालक चाहिए ने, उन्हां दा टेंडर जिहड़ा आपां लाता टेंडर मच्योर हो गया वा, कल वो टेंडर खुल जाना वा, आपां नूं जदों भी ड्राइवर प्रोवाइड होंदे ने आपां 13 ई रिक्शे जिहड़े शहर विच चला। एवन पंजाबी टीवी के लिए बटाला से सुखदेव रंधावा की रिपोर्ट।